गुजरात के चौधरियों का इक्तदार हासिल करने का ख्वाब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने चकनाचूर कर दिया। तौसीफ अहमद खान के मुताबिक पीटीआई हुकूमत ने काफ लीग के मशवरे पर पहले पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने का फैसला किया, लेकिन गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने फौरी इजलास बुलाने से इनकार कर दिया। काबिले तमाम जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज गुजरात के चौधरी बिरादरान इमरान खान को इस बात पर कायल करने में कामयाब हो गए थे कि कौमी असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से पहले पंजाब में चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला बनाने की कोशिश की जाए। इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए मनसूबा बनाया गया कि फिलफौर उस्मान गुजदार का इस्तीफा गवर्नर पंजाब कबूल करे और हफ्ता एतवार को ही सूबाई असम्बली का इजलास बुलाकर चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने की कोशिश की जाए। गुजरात के चौधरियों ने इमरान खान के सामने ये मुतालबा रखा कि चौधरी परवेज इलाही को पंजाब के हवाले किए बगैर इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद को नाकाम बनाना मुमकिन नहीं होगा। इसी मिशन को मुकम्मल करने के लिए पिछली रात गवर्नर पंजाब का ताबून हासिल करने की कोशिश की गई और चौधरी परवेज इलाही ने स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला भी वापस ले लिया ताकि पंजाब असम्बली को अपनी मर्जी से चलाया जा सके। लेकिन उस वक्त मनसूबा साजों की हैरत की कोई इंतहा न रही जब चौधरी सरवर ने किसी कॉल या पैगाम का मुस्बत जवाब नहीं दिया और फिर मजबूरन उन्हें ईमेल पर भी इस मिशन को मुकम्मल करने की हिदायत दी गई, लेकिन चौधरी सरवर ने फौरी तौर पर सुबह असम्बली का इजलास बुलाने से साफ इनकार कर दिया। बाद अजां रात गए एक वफद गवर्नर पंजाब को बरोज इतवार सुबह असम्बली का इजलास बुलाने पर कायल करता रहा, लेकिन चौधरी सरवर ने ये मौकफ इख्तियार किया कि वो किसी भी सूरत एक हफ्ते से पहले सुबह असम्बली का इजलास नहीं बुलाएंगे और इस तरह इमरान खान को अदम एतमाद से बचाने से पहले गुजरात के चौधरियों का इक्तदार हासिल करने का ख्वाब गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने चकनाचूर कर दिया। इस वक्त भी गवर्नर हाउस में चौधरी सरवर को मनाने की भरपूर कोशिशें जारी हैं, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर वो अभी तक किसी तरह का तआवुन करने पर तैयार नहीं हो रहे। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें।